हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी को पता है कि IBPS क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी हैं और इस बार की जो वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी हैं, पिछली बार से ज़्यादा भी हैं। तो तैयारी हमें करनी है, ये हम सबको पता है। कुछ स्टूडेंट्स नए होंगे, कुछ पुराने होंगे, कुछ पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, कुछ ने नई स्टार्ट करी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, कई तरह से तैयारी करते हैं, हम टेक्स्ट बुक का भी यूज़ करते हैं, हम यूट्यूब चैनल्स का भी यूज़ करते हैं, लेकिन प्रिपरेशन की कमी की वजह से कभी कभी ना कभी हम रह जाते हैं। देखो, मेहनत हर कोई कर रहा है, तैयारी सब लोग कर रहे हैं, लेकिन पेपर पेपर में सिलेक्शन केवल उन्हीं लोगों का होगा जो स्मार्ट स्टडी करेंगे, जिन्हें ये पता है कि सिलेबस कहाँ से आता है, कितना हमें पढ़ना है और क्या टिप्स हमें यूज़ करने हैं। आज मैं स्पेशली आपको वही बताऊंगा कि किन इम्पोर्टेंट टिप्स का इस्तेमाल हमें करना है अपने पेपर में सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो देखिए, प्रिपरेशन की यदि मैं बात करूं तो ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि हमें एक पेपर का रफ आइडिया लग जाए कि पेपर कैसा है, क्या है। काफ़ी बच्चों को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक बार ब्रशअप करना जरूरी होता है चीज़ों को। तो चलिए देखते हैं। आपको पता है यहाँ पे कि हमारे पास में जो IBPS क्लरिकल का एग्जाम होता है, उस पेपर के अंदर दो सेक्शन में पेपर स्टार्ट होगा। एक प्रीलिम्स का पेपर आपको दिखाई देगा और एक आपका मेंस का पेपर होगा, ठीक है। प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, मेरे हिसाब से सबको ये बात पता होगी। थोड़ा सा हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, यदि मैं आपके सामने रखूं तो वैसे तो IBPS क्लरिकल स्टेट वाइज कट ऑफ जारी करता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक रफ आइडिया आपके सामने रखूं तो 17-18 यानी 2017-18 का जो पेपर हुआ था, 2017-18 का जो पेपर हुआ था उसकी यदि मैं कट ऑफ की बात करता हूँ तो 17-18 के पेपर की कट ऑफ की एक रेंज थी, वो रेंज अप्रोक्सीमेटली 60 नंबर से लेकर के 75 तक गई थी, ठीक है। अगर मैं 18-19 की बात करता हूं तो 18-19 के अंदर भी कट ऑफ की रेंज इससे थोड़ी सी ही ऊपर थी, ज्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ फर्क जरूर था। आपको 62 के आसपास से रहने को कट ऑफ 50 के अंदर भी रही है, 55-56, लेकिन एक एवरेज स्कोर की मैं बात करूं जो रहा है वो यहां से लेकर के 78-79 तक भी गई है। तो हम इस कट ऑफ को यदि देखेंगे तो ये कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर के लेवल कैसा है इसके ऊपर। हमें अगर सेफ खेलना है तो एक तो सबसे पहले हमें अपनी स्ट्रेटेजी में अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। दूसरा, जब भी आप पेपर देने एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे, आप जैसे ही पेपर को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ डिसाइड होती है। यदि पेपर मॉडरेट लेवल का आपके सामने आ रहा है तो मॉडरेट लेवल का पेपर यदि आपके पास में है तो, और अगर आप 75 प्लस करके आ रहे हैं, मींस आपका ये अटेम्प्ट अच्छा है। लेकिन यदि आपका पेपर इजी आ रहा है तो इजी के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 80 प्लस अटेम्प्ट करके आने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर पेपर हार्ड है, जो इसकी चांसेस क्लरिकल के एग्जाम के अंदर कम होते हैं, तो उस कंडीशन में यदि आप 70 प्लस भी करते हैं तो मोर देन इनफ है, ठीक है। तो एक अगर हम बात करें पेपर की तो ये बता पाना कि कितने करना अच्छा है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपका पेपर कैसा आ रहा है, उसका लेवल कैसा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखो पेपर की तैयारी के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स का जो पेपर आ रहा है उसके अंदर कौन कौन से सेक्शन है हमारे पास में। सबको पता है सेक्शनल है, 20-20 मिनट हर किसी के अंदर प्रोवाइडेड है आपको, और तीनों ही सेक्शन के आपके पास में पेपर हैं, इंग्लिश का भी है, मैथ्स का भी है और रीजनिंग का भी है। आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश के 30 रहने वाले हैं, बाकी के 35 रहने वाले हैं। मार्किंग उसी हिसाब से 100 मार्क्स का पेपर है और 100 नंबर ही आपको मिलेंगे, क्वेश्चन भी 100 ही होंगे और 60 मिनट में करने होंगे। आपको समझ में आ रहा है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस अगर करने हैं तो ये डिपेंड करता है इस बात पे कि पेपर का लेवल क्या आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो गई नॉर्मल बातें, ये आपको पता होंगी कि प्रीलिम्स के अंदर क्या है। थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मेंस के अंदर, तो देखो मेंस के अंदर का जो पैटर्न है उसके अंदर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देने वाले हैं। रीजनिंग और कंप्यूटर एक साथ दिखाई देगा आपको, ठीक है, और इसके क्वेश्चन होंगे 50 जिसके मार्क होंगे 60। इसका मतलब ये स्टार मार्क लगा लो कि ये 45 मिनट में जो 60 नंबर आपको मिल रहे हैं ये आपको जिता सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके पास में कौन क्वांट,
जिसके 50 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और एक इंग्लिश जिसके 40 क्वेश्चन 40 नंबर के हैं। मार्किंग सबकी आपके सामने है। रीजनिंग को 45 मिनट मिले हैं, 50 क्वेश्चन में 60 नंबर ला सकते हैं आप लोग। इंग्लिश को 35 मिनट दिए गए हैं, जिसमें 40 नंबर आप 40 क्वेश्चन के लिए ला सकते हैं। क्वांट को भी 45 मिनट दिए, आप देख रहे हैं 50 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 45 मिनट है, मार्किंग 50 ही है, ठीक है। इनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको जिता सकता है एक्चुअल में, वो दो ही सब्जेक्ट हैं, एक रीजनिंग है और एक जनरल अवेयरनेस है, और क्वांट भी है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके पास जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये दो चीजें हैं जो डिफ्रेंशिएट करेंगी आपको दूसरे बच्चों के साथ, ठीक है। क्योंकि जनरल अवेयरनेस जनरली लोगों की वीक होती है, ठीक है। तो जनरल और फाइनेंशियल दोनों ही अवेयरनेस आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो एक टोटल 190 क्वेश्चन होंगे आपके सामने 200 मार्क्स के, और यहाँ पे कट ऑफ जो है इसको नॉर्मलाइज किया जाएगा 100 मार्क्स के अंदर। ध्यान रखना, मेंस के अंदर आपके मार्क्स 100 में से आएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आपके 120 नंबर आए हैं 200 में से, तो डिवाइडेड बाई 2 करके 100 में से आपके 60 नंबर हो गए, ठीक है। तो मार्किंग अकॉर्डिंग टू 100 मार्क्स के अकॉर्डिंग की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। आगे हम आते हैं स्ट्रेटेजी के साथ साथ थोड़ा सिलेबस के बारे में हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे यदि मैं क्लरिकल की बात करूं और उसमें भी प्रीलिम्स की बात करूं, तो प्रीलिम्स का सिलेबस थोड़ा सा हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ये हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंग्लिश लॉजिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर हमारे पास में कुछ चीजें हैं, क्योंकि तीन ही सेक्शन आने वाला है। एक बात इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की यहाँ बात करता हूँ आपके सामने, तो इंग्लिश सेक्शन के अंदर ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास में वोकैब सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, किसके साथ में, कॉम्प्रिहेंशन के साथ में। अलग से वोकैब सेक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन के साथ में इसका बहुत बड़ा रोल आएगा। तो आप चाहें तो 10 नंबर यहां से निकाल सकते हैं, और अगर 10 नंबर इसके हैं उसमें से अगर आप 5 भी ला पा रहे हैं, मतलब मोर देन इनफ, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके सामने डिफाइन कर देना चाहता हूँ, हमारा जो YouTube चैनल है उस YouTube चैनल पे WhatsApp नंबर भी है हमारे पास में, और यदि आप चाहते हैं हमसे जुड़ना और हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, और कोई भी कंटेंट हम जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो अपने WhatsApp चैनल पे हम डाल देंगे, जो भी PDF की फॉर्म में है, तो इस WhatsApp नंबर पे आप हाई करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9121815869, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं हमारे साथ बने रहना, तो इस नंबर पे हाई भेज करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, जो भी PDF होंगी रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, वो सारी आपको यहाँ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। चलिए वापिस आते हैं हमारे सेक्शन पे। तो रीजनिंग सेक्शन के अंदर कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब का एक साथ कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर के जो क्वेश्चंस होंगे, आपको पता है वो स्पॉटिंग एरर के रूप में आ सकते हैं। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के जो क्वेश्चन होते हैं वो स्पॉटिंग एरर के रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं, फिलर्स के रूप में आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सब एरर के रिलेटेड हैं, बेसिक ग्रामर इसी फॉर्म में पूछी जाएगी, ठीक है। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन आपको इन दो फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। जो फिलर्स हैं वो डबल और सिंगल भी हो सकते हैं। एक नई चीज में और इसमें आपको बता दूं यहाँ पे, तो आजकल जो एग्जाम है उसके अंदर हमारे पास में एक नई तरह का पैटर्न और आ रहा है। उस पैटर्न के अंदर हमारे पास में सेंटेंस इंप्रूवमेंट तो है ही है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिसमें क्या होगा, आपको पूरा सेंटेंस दिया होगा, चार वर्ड जो है उनको बोल्ड फॉर्म में कर दिया गया होगा, और उनको आपको सेंटेंस में एक दूसरे की जगह पे अरेंज करना है, ताकि वो सेंटेंस का कोई मीनिंग निकल सके, ठीक है। वो रेंडमली किसी भी प्लेस में हो सकते हैं, उस सेंटेंस के अंदर आपको प्रॉपर वे में उनको आपस में रिप्लेस करके एक सेंटेंस फॉर्म करना है, ठीक है। ये इस तरीके के क्वेश्चन भी कुछ आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है क्लोज स्टेट से ज्यादा छेड़खानी नहीं करते हैं, क्योंकि क्लरिकल का पेपर है, तो यहाँ से आपको 7 से 8 नंबर के क्लोज स्टेट देखने को मिल सकते हैं। तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम क्लोज स्टेट कर सकता है, कॉम्प्रीहेंशन कर सकता है, ठीक है, अगर आपकी ग्रामर वीक है तो। और सिंगल और डबल फिलर आप जरूर कर सकते हैं अगर स्पॉटिंग एरर छोड़ रहे हैं तो, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिल सकता है, इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जनरली नहीं पूछता है वो, इसलिए ठीक है अगर शो कर रखा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही रेयरली वो पूछता है, ऑड वन आउट भी बहुत रेयरली, हाँ, लेकिन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिल सकते हैं। और एंटोनिम सिनोनिम आपको वापस मैं क्या कह रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंशन के साथ ही देखने को मिलेगा, अलग से चांसेस कम है,
ठीक है, इसके साथ साथ आपको पैरा जंबल देखने को मिल सकते हैं, जो कि यहाँ मेंशन नहीं है, मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको पैरा जंबल्स देखने को मिल सकते हैं, पैरा जंबल्स के फॉर्म भी यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, रीअरेंजमेंट जिसको हम बोलते हैं, तो ये हमारे पास में इंग्लिश का कोर्स है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको जिता सकता है, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन यदि आपका अच्छा है तो आपकी कट ऑफ इजीली निकल सकती है। सिंगल डबल फिलर्स, क्लोज टेस्ट और उसके साथ में सेंटेंस इंप्रूवमेंट और पैरा जंबल। अगर इतनों पे अगर हमारा कमांड है और एरर हमारी अच्छी नहीं भी है, ग्रामर रूल हमारे अच्छे नहीं भी हैं, तब भी हम इजीली इंग्लिश के मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सेकंड सेक्शन पे आते हैं। सेकंड सेक्शन इज रीजनिंग का सेक्शन, जानते हैं आप। रीजनिंग के सेक्शन के अंदर ध्यान रखिएगा, बहुत भारी पेपर नहीं बनेगा रीजनिंग का। रीजनिंग के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करने वाला है? सिलोजिज्म प्ले करने वाला है, ब्लड रिलेशन प्ले करने वाला है। ये दो ऐसे सेक्शन है जो 5 से 7 नंबर आपको दिला सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं पजल सेटिंग की, मैं बाद में बात करूंगा। छोटे टॉपिक्स की मैं पहले जरूर बात करना चाहूंगा, क्योंकि प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन डिस्टेंस के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 1 नंबर भी। और यदि आपके पास जो कोडिंग डिकोडिंग है वो अल्फाबेटिकल सीरीज में आ गई, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज कोडिंग बोलते हैं, उस फॉर्म में आ गई, तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो कोडेड और मैथमेटिकल इनइक्वालिटी, तो ये वही हो गई, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन हो गए, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। ऑर्डर रैंकिंग के भी 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। डबल लाइनअप और इनपुट आउटपुट, देखो इनपुट आउटपुट के चांसेस कम बनते हैं प्रीलिम्स के अंदर आने के। डबल लाइनअप की अगर मैं बात करूं तो हाँ, डबल लाइनअप ऐसा कुछ खास नहीं है, जनरली ये आपके पास एसएससी में ही आता है, तो डबल लाइनअप के ऊपर भी हमें करने की जरूरत नहीं है। एनालॉजी और क्लासिफिकेशन भी हमें करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बनता है वो सिर्फ हमारे पास में बनती है पजल और सिटिंग, ये मान के चलो। बचा खुचा जो भी आने वाला है वो यहीं से आने वाला है। मतलब अगर आपके पास 35 क्वेश्चन हैं तो 15 से 20 नंबर के बीच में मान के चलो आपको यही देखने को मिलेगा, और इसमें भी कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। पजल में आपके पास ब्लड रिलेशन की पजल भी आ सकती है, ऑर्डर रैंकिंग की भी आ सकती है, कंपैरिजन की भी आ सकती है। तो ले दे करके हमें रीजनिंग के अंदर फोकस कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजों पे ही करना है, ठीक है, उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना नहीं है हमें ज्यादा, क्योंकि हमें पता है कि हम ऑलरेडी बहुत कुछ चीजें जानते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक सेक्शन ऐसा है जो आपको जिता सकता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो प्रीलिम्स के अंदर हमें ध्यान देना है, दैट इज सिंप्लीफिकेशन के अंदर देना है। इसके 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के साथ में ऑब्लिक में आप कर सकते हैं क्या, सिंप्लीफिकेशन पूछ सकता है या फिर अप्रोक्सीमेशन वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, ये बाकी के जितने भी टॉपिक हैं इससे कुल मिलाकर के परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, इसका क्वेश्चन बन सकता है, एवरेज का बन सकता है, रेशियो प्रोपोर्शन का बन सकता है, एसआईसीए के चांसेस बनते हैं, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस का बन सकता है, टाइम एंड वर्क का बन सकता है। तो इनसे अगर मैं बात करूं तो ये सब वर्ल्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में आएंगे, और वर्ल्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में यदि ये आएंगे आपके पास में, तो उस कंडीशन के अंदर ये 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन आपको ये देखने को 100% मिलेंगे। इन 10 क्वेश्चन को यदि मैं हटा दूं तो बचते हैं 25 मार्क्स। उसमें से 5 से 10 नंबर आपकी सिंप्लीफिकेशन ले जाएगा, उसके अलावा नंबर सीरीज आ जाएगा जो 5 नंबर आपके ले जाएगा। अगर नंबर सीरीज आता है तो इनइक्वालिटी देखने को नहीं मिल सकता, ठीक है, और इनइक्वालिटी आता है तो नंबर सीरीज नहीं। और नंबर सीरीज में भी 2 कैटेगरी आपको देखने को मिल सकती है, एक तो आपके को मिसिंग मिल सकता है, एक तो आपको बोल मिल सकता है मिसिंग, ठीक है, और या फिर दूसरा मिल सकता है रॉन्ग वन आउट। ठीक है, दूसरा क्या मिल सकता है, रॉन्ग वन आउट, ठीक है। और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन तो शायद ही मिले आपको यहाँ पे, डाटा डीआई के क्वेश्चन भी यहाँ पे 1 या 2 नंबर की डीआई, मतलब 5 नंबर की डीआई आपको एक देखने को मिल सकती है। मतलब 5 और 5 10 ये रहे, और आपके पास में 10 और 10 15 और 20 नंबर ये हो गए, और 10 नंबर ये हो गए, बचे हुए 5 नंबर आपके पास में डाटा सफिशियंसी के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। हो सकता है वो आपको सीरीज के साथ इनइक्वालिटी भी दे दे, तो इस तरीके से वो कॉम्बिनेशन सेट करेगा। तो ये सारे सेक्शन आपके अंकुर सर संभाल लेंगे, ठीक है। अंकुर सर बहुत अच्छे से इन सब चीजों को आपको करा देंगे, उन्होंने स्टार्ट भी करा दिया है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। इससे रिलेटेड 100 200 जितने भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, उसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो प्लीज जो नंबर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, इस नंबर को सब्सक्राइब करना या इस नंबर पे हाई भेजना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
चलिए फिर आगे आते हैं। ये तो था हमारे पास में प्रीलिम्स का सिलेबस। अगर मैं मेंस के सिलेबस की बात करता हूं तो थोड़ा सा मेंस का सिलेबस यहाँ वास्ट हो जाता है। जनरल अवेयरनेस की यदि मैं सबसे पहले बात करूं तो यहाँ ले दे करके सबसे इंपॉर्टेंट आती है करंट अफेयर्स। अगर यहाँ पे 50 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास में, तो ये मान के चलिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 20 नंबर के देखने को मिल सकते हैं, 20 से 25 भी हो सकता है मामला। ठीक है, बेसिक बैंकिंग के 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और स्टैटिक के 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पूरे 50 नंबर कंप्लीट हो सकते हैं, ज्यादातर करंट अफेयर ही देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिए। अगेन अगर मैं इंग्लिश की बात करता हूं तो इंग्लिश में सबसे बड़ा रोल यहाँ पे अब यही प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 RC आपको देखने को मिल सकती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पैरा जंबल 5 नंबर का देखने को मिल सकता है, सिनोनिम एंटोनिम उसी के अंदर आ जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। सेंटेंस करेक्शन क्लोजेस, ये सब फिलर्स, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इडियम फ्रेजेस उसी के अंदर आ जाती हैं। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, फ्रेज और वर्ड रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन। तो ये सारी की सारी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ऑड वन आउट के चांसेस कम है। ठीक है, तो ये सेक्शन इंग्लिश का जो है इसके अंदर मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि रीडिंग पे एक अपना फोकस ज्यादा रखें। जो मैं आपको आगे टिप्स बताऊंगा उसमें भी मैं आपको यही फोकस करके बोलूंगा कि प्लीज रीडिंग अपनी अच्छी करें। ठीक है, उसके अलावा यदि मैं क्वांट की बात करता हूं तो अगेन वही है, लेकिन यहाँ डाटा सफिशियंसी पे आप अपना फोकस बढ़ाएंगे, सिंप्लीफिकेशन पे कम कर देंगे, मेंस एग्जामिनेशन के लिए नंबर सीरीज पे कम कर देंगे, डीआई पे फोकस डबल कर देंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ठीक है आप यूज कर सकते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम पे काम करना आपको शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यही डिफरेंस क्रिएट करेगा। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम बाद में करनी है, पहले डीआई पे फोकस करना है, डाटा सफिशियंसी पे फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे उनके ऊपर फोकस करेंगे। चलिए इन रीजनिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पे सिलोजिज्म का उतना रोल नहीं रहेगा, हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। यहाँ सबसे ज्यादा रोल रहेगा इन दो का, ये मान के चलो यदि 50 नंबर है तो 50 में से 30 नंबर के तो यही देखने को मिल जाएंगे आपको। बाकी जो कुछ भी बचेगा उसमें सिलोजिज्म का रोल आ जाता है, और बाकी एक आध दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा 5 नंबर का इनपुट आउटपुट देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, और उसके अलावा फिर लॉजिकल आपको देखने को मिलेंगे ही, ये श्योरिटी है। ठीक है, इसके अलावा अजम्पशन के अलावा आपको कोर्स ऑफ एक्शन भी मिल सकता है, और इन दोनों के अलावा आपको कॉज एंड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, लॉजिकल के 10 नंबर के क्वेश्चन आपको मार्केट में दिखेंगे ही दिखेंगे, पेपर में दिखेंगे 100%। ठीक है, चलिए, और लास्ट अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर पे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली 2 साल से यही देखने में आ रहा है कि वो जनरली क्वेश्चन रीजनिंग के ही बनाता है, उसमें एक आध क्वेश्चन कंप्यूटर का आ सकता है, और क्या क्या आएगा वो थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये आपके सिलेबस है आपके सामने, कंप्यूटर का बेसिक, कंप्यूटर नेटवर्किंग, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कंप्यूटर हैकिंग, कंप्यूटर एब्रीवेशन। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, इसलिए मैं ये सिलेबस आप खुद भी देख सकते हैं वीडियो के साथ साथ, और मैंने कुछ चीजें आपको कंप्यूटर की करा भी रखी हैं, अगर आपने देखा हो FCI के जो पहले वीडियोज हैं उसमें मैंने ज्यादातर चीजें कवर की हुई है। ठीक है, चलिए फिर आगे आते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास ज्यादा हम इसमें नहीं दे सकते। आगे आते हैं, क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं, क्या क्या फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी देखते हैं इंग्लिश की, क्या होनी चाहिए। तो देखो, अगर आपको इंग्लिश में मार्क्स लेने हैं, मैं जानता हूं आपको डर लगता है, इंग्लिश ग्रामर कुछ लोगों की अच्छी होती है लेकिन फिर भी पेपर नहीं निकलता, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीडिंग। आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश को, इंग्लिश को पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, चाहे आप सॉन्ग सुनो, चाहे आप वीडियोस देखो, चाहे मूवीज देखो, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो। कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप न्यूज़पेपर में ही आंख गड़ा के बैठे रहें, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, इंग्लिश अंदर जानी चाहिए दिमाग के। ठीक है, तो आपको रीडिंग और राइटिंग प्ले करना पड़ेगा, क्रूशियल रोल प्ले करेगा ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें, हर में करेगा, क्लर्क में भी और PO में भी। तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन अगर अच्छा करना है तो रीडिंग पे कमांड करना पड़ेगा, सारी चीजें रीडिंग से जुड़ी हुई है। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, वही सेम चीज, डिफिकल्ट न्यूज़पेपर जरूरी नहीं है, डिफिकल्ट डिफरेंट पढ़े वो चाहिए, डिफिकल्ट पढ़े जरूरी नहीं है, द हिंदू जरूरी नहीं है, अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ रहे हैं मोर देन इनफ। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भैया मैं द हिंदू ही पढ़ूं या इकोनॉमिक्स टाइम्स ही पढ़ूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आप पढ़ रहे हैं मोर देन इनफ है, एडिटोरियल जरूर पढ़े, क्योंकि एडिटोरियल ही एग्जाम में आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पैरा जंबल अगर हमें अच्छा करना है, फिलर्स अच्छे करने, तो पैरा जंबल का सिर्फ एक ही तरीका है, आप इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितने पैरा जंबल आप हाथ से निकालोगे उतना अच्छा है, इसमें और कोई कुछ तरीका नहीं है, ऊपर नीचे करना है, सेंटेंस बनाना है, वो तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे।
फिलर्स के अंदर कुछ नहीं है, जैसे जैसे आपकी रीडिंग अच्छी होती जाएगी आपके फिलिंग द ब्लैंक्स भरने की पावर अच्छी होती जाएगी, एरर्स निकालने की पावर भी अच्छी होती जाएगी, क्योंकि आप सेंटेंस बनाना सीखते जाएंगे कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है केवल और केवल एक चीज पे, इंग्लिश। तो बस आप अगर रीड रीड एंड रीड कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर इंग्लिश को फिर आपसे कोई भी दूर नहीं कर सकता, ग्रामर तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे आते। बाकी और सब चीजें यहाँ लिखी हुई है कि क्लोज टेस्ट आपके पास कैसे आएगा, तो क्लोज टेस्ट भी ऐसे ही आएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आपको सबसे पहले अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्लरिकल निकालना है तो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेशन अच्छी होनी बहुत जरूरी है, 10-15 नंबर के तो यही आते हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लरिकल के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं अलग अलग चीजों पे। ठीक है, फिर आप वर्ड प्रॉब्लम्स पे फोकस कर सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में भी कैलकुलेशन का बहुत अच्छा यूज है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आपको फॉर्मूले पे कमांड ज्यादा जरूरी नहीं है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला पे आप प्रैक्टिस करें लेकिन अपने कंसेप्ट के ऊपर सबसे पहले प्रैक्टिस करें। ठीक है, कि ये क्वेश्चन है मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट। ये नहीं कि ये आ गया इस पर्टिकुलर का, ये फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला लगाऊंगा आंसर आ जाएगा, नहीं। सोचो, एज्यूम करके देखो कि अगर ये सिचुएशन मेरे सामने है तो मैं उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके अलावा अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी में मार्क्स चाहिए तो डाटा DI करना बहुत जरूरी है। ठीक है, DS करना बहुत जरूरी है, दो DS और DI जो दो चीजें हैं ये बहुत जरूरी हो जाता है मेंस के लिए। बाकी प्रीलिम्स अगर आपको सबसे पहले निकालना है तो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ठीक है, इनइक्वालिटी, ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपका मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर ग्रैब करवा देंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं रीजनिंग सेक्शन में। तो रीजनिंग सेक्शन के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ दो चीजें हैं, कुछ नहीं है। प्री के लिए तो पजल सेटिंग, क्योंकि ब्लड रिलेशन, बाकी सब चीजों में सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं है। और मेंस के लिए पजल सेटिंग के साथ में लॉजिकल, बस कंप्लीट है आपका रीजनिंग इतने में। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है, करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो मैं आपको वो टॉपिक्स बताता हूँ, जनरल टॉपिक्स वो कौन से हैं, टिप्स कौन सी हैं, वो सॉरी टॉपिक्स बोला है मैंने, वो टिप्स कौन सी हैं हमारे पास में जिससे हम पेपर को काफी हद तक ग्रैब कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले इंग्लिश की ही टिप्स अगर आपके पास में आएगी तो टिप बहुत सारी हैं। तो सबसे पहली टिप अगर हम बात करें तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तो हम इतना पढ़ चुके हैं कि अब हमें और पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब हमें उसकी एप्लीकेशन करने की जरूरत है, उसके कंसेप्ट करने की जरूरत है, इसलिए मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। डेली के दो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और फोकस किस पे करना है, देखो मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, एक्यूरेसी पे और एफिशिएंसी पे, इन दो चीजों पे फोकस करना है। एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की एफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, ये दो चीजों पे फोकस करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, पेपर में मार्क्स कमाने कोई दिक्कत नहीं। उसको अगर पेपर आपका 1 60 मिनट का है प्री का, तो उसको एनालिसिस करने में 2 घंटे, मतलब 120 मिनट दो, क्योंकि यहीं पे ही आप सीखोगे, यहां नहीं सीखोगे, यहां देखोगे पेपर को, यहां पेपर को कैसे करना है ये सीखोगे। ठीक है, तो सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेली के दो मॉक टेस्ट, 2 घंटे का पेपर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, दो मॉक टेस्ट देने हैं और 4 घंटे में उन दो मॉक टेस्ट को देखना है, उससे आपके आधे से ज्यादा चीजें कवर हो जाएंगी। मतलब सब सारे टॉपिक ही कवर हो रहे हैं ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कवर हो रहा है, DI भी कवर हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन भी कवर हो रहा है, सब चीजें कवर हो रही हैं। और अगर दो कर दिए, इसका मतलब अगर 10 सिंप्लीफिकेशन आया तो मैंने डेली के 20 सिंप्लीफिकेशन कर ली, 10 सीरीज कर ली, ठीक है, 4 5 पजल कर ली, तो मतलब मेरा दिन भर का कोटा पूरा हो गया। ठीक है, दूसरी ये तो करना है, इसके साथ में डेवलप करना है अपना इंटरेस्ट पढ़ने का, फिर वो कुछ भी पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि न्यूज़पेपर ही पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। अगर आप अपनी जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना चाहते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में ही पढ़ो, ठीक है, हिंदी में देख लो लेकिन पढ़ो उसको इंग्लिश में, ताकि इंग्लिश सुधरे अपनी। तो हमें रीड करना है, रीड के साथ आप लिसन भी कर सकते हो और लिख करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन हाँ पढ़ना जरूर है। थर्ड, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। पूरा दिन निकल जाता है और हम सोचते हैं कि यार ये नहीं कर पाए, आज इतना करना था नहीं हो पाया। टारगेट बनाओ, अच्छी बात है,
टाइम मैनेज कैसे करना है, आप सबसे पहले मॉर्निंग टाइम में आपको न्यूज़पेपर या फिर कोई भी इंग्लिश की बुक कुछ भी उठा के रीड करनी है। रीडिंग का काम मॉर्निंग में करना है, रीडिंग का काम मॉर्निंग में करना है। डेली प्रैक्टिस जो है वो आपको किस में करनी है, वो करनी है आपको मॉर्निंग के बाद। आपका जो भी टाइम बीच में आ रहा है, चाहे वो आपके आफ्टरनून का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, इवनिंग का टाइम हो, उसमें करना है। ठीक है, इवनिंग का टाइम अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो इवनिंग के टाइम में या आफ्टरनून के टाइम में भी कर सकते हो। और आपको जो मॉक टेस्ट देने हैं वो मॉक टेस्ट देने हैं नाइट में, रात को। ठीक है, रात को आपको मॉक टेस्ट देने हैं, सो ताकि हमें नींद आ रही हो तो हम फोकस कर पाए। ठीक है, एनालिसिस करना है फिर उन्हें। ठीक है, ये चीज है हमारा टाइम मैनेजमेंट। दो मॉक टेस्ट, रीडिंग करनी है, दो एडिटोरियल नहीं तो एक एडिटोरियल पढ़ लो, अच्छे से पढ़ना है। पर डेली प्रैक्टिस मतलब हर चीज की, हर चीज की मतलब सिंप्लीफिकेशन की अलग से, पजल्स की अलग से, वो डेली प्रैक्टिस, दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। वो आपको करना पड़ेगा। एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, जो मैंने आपको सिलेबस बताया उसके अकॉर्डिंग आप एक स्टडी प्लान बना सकते हो, टाइम अलॉट कर सकते हो। जो टॉपिक वीक हैं उनको आपको सबसे पहले फॉलो अप लेना है, उनका उनको सबसे पहले चेक करना है। ठीक है, चेकअप सबसे पहले बीमारी का होता है। ठीक है, तो जो टॉपिक हमारे वीक है सबसे पहले उन्हें पकड़ना है, उन्हें पढ़ना है। उसके बाद फिर जो अच्छे हैं वो तो हम जब मॉक टेस्ट देंगे तो हमारे रिवाइज होते ही रहेंगे। जो कमजोर हैं उन्हें हमें पढ़ना है। जैसे अगर मुझे स्पीड टाइम डिस्टेंस नहीं आता तो मुझे वो पढ़ना पड़ेगा पहले, उसके बाद मैं उसके क्वेश्चंस लगाऊंगा। ठीक है, तो पहले हमें वीक टॉपिक को देखना है ताकि हम उन्हें कर सके। और परसिस्टेंट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपको रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी और आपकी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से हो जाएगी। ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इतना काम कर रहे हो मींस आप इजीली पेपर निकाल पाओगे। 101%, 100% आप पेपर निकालोगे। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करनी हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं ये सब चीजें केवल इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमें पढ़ना क्या है। हम सब पढ़ने की कोशिश करते हैं, सर ये भी पढ़ा दो, सर ये भी पढ़ा दो। नहीं, हमें पर्टिकुलर चीजें पढ़नी है जो पेपर हमें कहता है कि मैं यही पूछूंगा, बस वही हमें फोकस ज्यादा रखना है क्योंकि वही हमें जिताएगा। ठीक है, सब अगर पढ़ के जाएंगे वो पेपर में ही नहीं आ रहा है तो मतलब किसका। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो चीजें हैं जो पेपर में आ रही है क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए, हमें टॉप नहीं करना। क्योंकि फर्स्ट रैंकर भी क्लर्क बनेगा और जो लास्ट वाला सेलेक्ट हुआ है वो भी क्लर्क बनेगा, उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा टॉपर को। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिलेक्शन चाहिए तो हमें सिलेक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा, अपने आप को बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना करें, हमेशा मोटिवेटेड रहें किसी भी चीज को देख करके। ठीक है, कोई डीमोटिवेट करने वाली चीज अगर आपके सामने है तो उसे हटा दो। कोई कुछ कह रहा है कि भैया तू नहीं कर सकता, उससे दूर हो जाओ। और दूर ना हो सको, अगर घर वाले ऐसा कहते हैं तो उनको सुनना थोड़ा कम करो डीमोटिवेट वाली चीजों को। अपने आप को मोटिवेटेड रखो। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छी होती है लेकिन वो अटकते हैं इंग्लिश के अंदर। मुझे पता है ऐसा होता है, तो इसको बिल्कुल अलग मत कर दो क्योंकि अगर इसको बिल्कुल अलग कर दोगे ना इंग्लिश को, तो तुम सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकाल पाओगे इंग्लिश की, ओवरऑल तो फिर निकलेगी नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि भैया ये अगर मेरे पास में एक तराजू है तो इस तराजू में यदि एक तरफ रीजनिंग और मैथ्स है और इस तरफ यदि तुम्हारे पास में इंग्लिश है और ये स्ट्रोंग है, तो ये पलटा नीचे हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा, और ये इतना ऊपर ना हो जाए कि ये पूरा की पूरा वर्टिकली हो जाए और ये ऐसे गिर जाए सब चीजें, और सिलेक्शन ही ना हो हमारा। हमें बैलेंस रखना है चीजों को, तीनों चीजों को बैलेंस रखना है ताकि हम सिलेक्शन ले पाए। तो इंग्लिश अगर वीक है तो इतना फोकस करो कि उसकी कट ऑफ से 4-5 नंबर हम ऊपर रहें, ताकि वहां से और बचे हुए उसके जो नंबर हैं वो हम रीजनिंग और मैथ से खींच सके। और जिनकी मैथ्स वीक है, इंग्लिश अच्छी है, उनको फिर इंग्लिश से नंबर खींचने, मतलब हमें ले दे करके प्री का सिलेक्शन करना है किसी भी तरीके से। और मेंस में फोकस इस बात पे करना है कि एक्यूरेसी अच्छी हो, क्योंकि वहां पे स्पीड का कोई रोल नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी का रोल है। ठीक है, तो केवल क्लरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपने आगे के फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करो। ठीक है, स्कोप बहुत अच्छा है आने वाले टाइम में। अगर आप बैंकिंग में हो तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप एज ए क्लर्क ज्वाइन करते हो तो 1-2 साल के अंदर, आप मैक्सिमम 3 साल के अंदर आप पीओ बन जाओगे, ऑफिसर बन जाओगे। अगर यदि आप आज 23 साल के हो और
आप क्लरिकल की पोस्ट पे लगे हो तो आप 26 साल की उम्र में स्केल वन होगे, और 26 साल की उम्र में आप स्केल वन हैं, इसका मतलब लोगों के 28 से 29 साल तक की उम्र पेपर नहीं निकलते हैं, और 30 साल तो लिमिट होती है, और 26 साल की उम्र में आप पीओ बन गए। इट मींस अगर आपको एंट्री चाहिए तो एंट्री के लिए बेस्ट पाथ है क्लरिकल का एग्जाम। आप यहां से एंट्री अगर बैंक के अंदर ले लेंगे तो उसके बाद आपको कोई नहीं रोकेगा, आप प्रमोशन लेते लेते ही कहां तक पहुंच सकते हैं, जीएम तक भी पहुंच सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, कैलकुलेटिव स्टडी करना बहुत जरूरी है। अगर फ्यूचर बनाना है तो कैलकुलेट करो चीजों को, कैलकुलेशन के साथ ही आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, ज्यादा मोटिवेट इससे ज्यादा मैं आपको नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मैक्सिमम है। बिल्कुल आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई कीजिए, बिना किसी की सुने एंजॉय भी कीजिए, बहुत जरूरी है एंजॉय करना, नहीं तो ज्यादा दिमाग पे जोर डाल दिया, ठीक है, तो वो फिर उसके अंदर कुछ नहीं घुसेगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, यही है, पांच चीजों पे ध्यान रखिए, ये पांच ब्रह्मास्त्र हैं। ये अगर आपने पेपर के अंदर, चाहे मैं क्लरिकल की बात कर रहा हूँ, ये पीओ के पेपर के अंदर भी आपको बहुत बेनिफिट देंगे। तो इन पांच ब्रह्मास्त्रों को अपने साथ रख लीजिए, ये जो टिप्स हैं ये आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं जिस भी फील्ड में आपको जाना है उसमें। ठीक है, इंग्लिश हर फील्ड में काम आने वाली है, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपना प्यार जरूर बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि हम अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करें, डेली बेसिस पे लेक्चर्स ला सकें। ठीक है, क्योंकि हम ऑफिस जाते हैं, जॉब है इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है, फुल फ्रेश होके फिर भी हम आपके साथ लगने को तैयार हैं। ठीक है, और क्योंकि मैं खुद बैंक ऑफ बड़ौदा में काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट पता है कि किस तरीके से यहाँ काम होता है, बैंकों में कैसे काम होता है, कितनी छुट्टियां मिलती हैं, कितनी सैलरी होती है, सब चीजें अच्छी हैं। ठीक है, बस आपको मेहनत करनी है और अंदर एक बार एंट्री लेनी है, एंट्री लेने के बाद सब चीज अच्छी हो जाएंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।